हेलो दोस्तों, मैं हूँ लाल जी और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी मैं हूँ बेमेतरा जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर जिहाजपुर रोड पे, जो कि मैं यहाँ घूमने आया था। तो सोचा एक वीडियो बना करके डाल देता हूँ कि लोगों को बेमेतरा ज़िला के बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे बेमेतरा ज़िला के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे बेमेतरा ज़िला जो कि दुर्ग से 2012 में अलग हुआ था। हमारा बेमेतरा ज़िला एक कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ का मुख्य आय का स्रोत कृषि ही है। यहाँ चना, गेहूँ, धान, तिलहन जैसी मात्रा बहुत होती है। हमारा बेमेतरा ज़िला बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। इसमें हमारा बेमेतरा ज़िला जो कि रोड नेटवर्क से अच्छी तरीक़े से जुड़ा हुआ है, रायपुर हो, दुर्ग हो, जबलपुर हो, चाहे कवर्धा हो, इससे अच्छी तरीक़े से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ रेल नेटवर्क नहीं है और हमारे बेमेतरा ज़िला का व्हीकल कोड है CG25। तो चलिए दोस्तों, अब बेमेतरा ज़िला का शहर को देखते हैं, वहाँ का मार्केट को देखेंगे, कैसा मार्केट है वहाँ का। ये सब को हम लोग अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में हमारे अंत तक। हम लोग बेमेतरा में एंट्री करते हुए रोड का देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते बहुत ही उबड़ खाबड़ है रोड। कुछ दिनों में ये बन के तैयार हो जाएगा, 2-4 महीने में। फाइनली हम लोग बेमेतरा बस स्टैंड में आखिर पहुंच ही गए। आप देख सकते हैं बस स्टैंड का नज़ारा पीछे से, यह देखिए। अभी बस स्टैंड भी कंस्ट्रक्शन के अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिससे कि यहाँ काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद में ये पूरा हो जाएगा। बेमेतरा बस स्टैंड से आप पुणे, हैदराबाद, लखनऊ, बनारस, ये सब के लिए बस आपको आसानी से मिल जाएगी यहाँ से आप। और ये अच्छी तरह से कनेक्टेड है छत्तीसगढ़ के ज़िला से। आप यहाँ से कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग इत्यादि जगहों पर जा सकते हैं। आप बेमेतरा का ये मार्केट एरिया देख सकते हैं, ये मेन रोड है। शासकीय कन्या शाला बेमेतरा है और ये कचहरी रोड है, कचहरी जाने का, जैसा कि आप देख सकते हैं।
है बेमेतरा का, विश्राम गृह बेमेतरा परशुराम चौक, यह है तानिया हॉस्पिटल। अभी वो स्टॉप नॉन स्टॉप शॉप, ब्रह्म कुमारी प्रशिक्षण केंद्र। बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही साफ और स्वच्छ, बहुत ही ग्रीनरी, हरा भरा, बहुत ही अच्छा सिटी लग रहा है बेमेतरा। अरे हम लोग आने वाले हैं अभी घड़ी चौक, ये घड़ी चौक है, देख सकते हैं आप लोग, ये है घड़ी चौक। ये सीधा चला जाएगा दुर्ग, और इधर जो कार जा रही है वो चल जाएगा रायपुर, और इधर से जो ट्रक आ रही है ये चल जाएगा कवर्धा। यह घड़ी चौक हमारा, ये सिमगा रोड है, रायपुर रोड भी कह सकते हैं इसको। बेमेतरा जिला कलेक्ट्रेट, यह जिला कलेक्ट्रेट बेमेतरा। ये है दुर्ग रोड, दोस्तों एक जगह चाय पीने का मन किया तो हम लोग यहाँ आ गए हैं चाय पीने के लिए, तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, अच्छी है स्वाद। चलिए चाय पीने के बाद फिर से मिलते हैं। नीला नीला आसमान, नीला नीला आसमान, क्या नीला आसमान दिख रहा है, राज्य ग्रामीण बैंक ICICI बैंक इसका नीचे, और ये है बेमेतरा का सुमित बाजार।
फिर से घड़ी चौक। अब थोड़ा शाम हो गई है, इसका यहाँ का व्यू देखिए, शाम का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है। मार्केट घुसने का रास्ता है। बेमेतरा का मार्केट, बहुत सारी दुकानें हैं इधर, आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। बहुत ही अच्छी मार्केट है, सघन मार्केट भी है। आसपास के गांव के लोगों का यही मार्केट से काम चलता है, सब शॉपिंग करने यहीं आते हैं। आप जब कभी भी बेमेतरा आइएगा तो माँ भद्रकाली का मंदिर जरूर आइएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का भद्रकाली मंदिर। देख सकते हैं आप मार्केट को कितनी भीड़ है। सब्जी मार्केट, जॉन ट्रेडर्स यार। ये मार्केट देख सकते हैं कैसा है बेमेतरा का मार्केट। आवश्यकता की सभी चीज़ें मिल जाती है यहाँ इस मार्केट में। अब घुसते हम लोग सोना चांदी के जहाँ मिलता है उस मार्केट में। शूज, ये हो गया हमारा शर्मा ज्वेलर्स। निकाल दे निकल जाएगा धीरज ज्वेलर्स। धीरज ज्वेलर्स बहुत सारे दुकानें बंद हैं। फिर से इधर से मेन रोड पे निकलने वाले हैं, जहाँ से फिर हम लोग का बस स्टैंड आ जाएगा। ये देखिए मेन रोड में हम लोग फिर निकल गए। देखिए बस स्टैंड से चालू किए थे, बस स्टैंड पे समाप्त आज का हम लोग का सफ़र। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग का वीडियो शूटिंग करते करते शाम हो गई है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छे लगे होंगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय भारत।